अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग को हार्मोनिक मीन का जो है वो ग्रुप डेटा और क्लास डेटा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट डे हम लोगों ने अनग्रुप डेटा कर लिए था, तो सिंपल वर्ड्स में हार्मोनिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का उलट जो होता है वो आपका हार्मोनिक मीन होता है। तो आज देखते हैं ग्रुप और क्लास डेटा के लिए हमारे पास हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला होगा। हार्मोनिक मीन का फार्मूला है HM इज इक्वल्स टू समेशन F डिवाइडेड बाय, देखें हमारे पास जो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है, समेशन एक्स नहीं समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू 1/x, ठीक है। कि आप लोगों ने समेशन एफ पहले निकालना होगा, मतलब इसका टोटल, फिर आपने समेशन एफ इंटू 1/x, मतलब ये कि आप लोगों ने फिर ये निकालना होगा, ठीक है। तो हमारे पास तो समेशन एफ निकल सकता है, लेकिन अब एफ इंटू 1/x कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले 1/x निकालना होगा, ठीक है। तो 1/x करना होगा, एक्स की वैल्यूज ये है, इसको 1 के ऊपर डिवाइड करना होगा। तो आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर देते साइड पे, देखिए 1/ ये 10 है, तो 1/10 कर लेते, तो 1/10 जो है हमारे पास 0.1 के बराबर है, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसको क्लियर कर लेते हैं। 1/20, 0.05, 0.05, ठीक है। इसी तरह से सॉरी, 1/30, 0.033, 0.03, ठीक है। इसके बाद 1/40, ठीक है, तो 0.02, 0.02, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज लगाते हैं या 2 वैल्यूज लगाते हैं। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। 1/50, ठीक है, तो ये आ गया 0.02, ये भी हमारे पास 0.02 है। यहाँ पे इसको 2.5 कर देते, तब के डिफरेंस जो है वो मालूम रहे। अब 1/60, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई, 1/60 हमारे पास आया 0.016, 0.016, तो ये हमारे पास जो है ये 1/x आ गया। अब हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो स्टार्ट करते हैं। 20 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है, इधर हम लोग 2 लिख देते हैं। इसके बाद फिफ्टी को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 के साथ, तो 2.5 आ जाएगा, इधर मैं 2.5 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर अब 10 को 0.03 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.03 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 10 को 0.03 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो 0.3 आ जाएगा, इधर मैं 0.3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.025, तो हमारे पास आ जाएगा 0.125, ठीक है। इसके बाद 10 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है 10 × 0.02 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.016 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 0.49, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब मैंने इसका टोटल लेना है, इसका टोटल ले लिया, इसका टोटल हमारे पास ये आता है, सही है। इसका टोटल मेरे पास क्या आता है, ये 5.605। और इस एफ़ का टोटल क्या आता है, इसका एफ़ का भी टोटल कर लेते हैं, एफ़ का टोटल आता है हमारे पास 125। तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन क्या हो गया, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ क्या है 125 डिवाइडेड बाय 5.605। तो इसका टोटल करते हैं क्या आते हैं 125 डिवाइडेड बाय 5.605 डिवाइडेड बाय 5.605 डिवाइडेड बाय 5.605। तो ये हमारे पास आएगा 22.30। तो 22.30 इज आवर आंसर, यहाँ पे लिख देता हूँ 22.30। तो ये है हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो ये है आप लोग का हार्मोनिक मीन का आंसर, इसी तरह से आप लोगों ने भी सॉल्व करना होगा, सही है। अब आपके पास क्लास डेटा आ जाता है, तो क्लास डेटा में आपने सबसे पहले देखें, उसमें आपके पास इस तरह से रेंजेस में जो है वो वैल्यूज़ दी होती है, मैं आप लोग के सामने ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैं इसको फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, उसमें ऐसे आपके पास क्लासेस दी होती हैं और उसके आगे जो है वो फ्रीक्वेंसी दी होती है। यहाँ पे अगर हम लोग करें 10 से 30, 30 से 40, मिसाल के तौर पे ये क्लासेस उसमें जो है आप लोग के पास जो है वो दी होती है, और ये आगे जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है वो दी होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्स निकालना होगा, मतलब एक्स कैसे निकालेंगे, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यूज आती जाएंगी। इसी तरह से लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा 1 ओवर एक्स का, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद आपका एफ इंटू 1 ओवर एक्स ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी 1 ओवर एक्स की, इसको एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर इसका भी टोटल लेंगे और इसका भी टोटल लेंगे, फार्मूला उसका हार्मोनिक मीन का सेम इट इज़ होगा ग्रुप डेटा के लिए, तो आपने फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको मैं ज़रा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, आप लोगों ने एक तो ये क्वेश्चन करना है,
है, एक तो आपका ये टास्क हो गया, एक ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है, और दूसरा जो है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और बुक से कोई क्वेश्चन देखें, उसमें हार्मोनिक मीन से रिलेटेड होंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है क्लास डेटा वाला लाजमी करना। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो फिर मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं, चले जी इंशाल्लाह कल, और क्लास में जो है फिर आपने अटेंडेंस लगा के जानी है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।